और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी 12 राज्यों के सचिव से बात करने वाले हैं। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आज 12 राज्यों के मुख्य सचिव से बातचीत करेंगे। ये पूरी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी योजनाओं के बारे में पीएम से बात करेंगे। तो दोपहर 12 बजे ये बातचीत शुरू होगी, जहां हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज 12 राज्यों के मुख्य सचिव से बात करने वाले हैं। वहीं यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी आज दोपहर 12 बजे योजना भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी जहां आज 12 राज्यों के मुख्य सचिव से बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन से भी योजना भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी और ये पूरी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 12 राज्यों के मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बातचीत करने वाले हैं। तो वहीं यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन योजना भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। और इस मामले में अधिक जानकारी के साथ संजय श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज बातचीत होगी सभी राज्यों के मुख्य सचिव की। और सभी राज्यों ने 12 राज्यों के मुख्य सचिवों से आज प्रधानमंत्री सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जैसे अभी तक जनता से, किसानों से, छात्रों से, तमाम लोगों से मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से जुड़ते रहे हैं, उसी तर्क पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार क्या काम कर रही है, पिछले 9 महीने की जो सरकार रही है मोदी की, उसमें क्या कामकाज हुए हैं, राज्यों और केंद्र के साथ क्या तालमेल हुआ है, राज्यों की किन चीजों पर केंद्र ने अमल किया है और राज्यों के साथ किस तरीके की मांग रही है, किस तरीके का बजट रहा है और उसको सरकार ने किस तरह पूरा किया है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या जो खामियां रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से तालमेल राज्य और केंद्र के बीच में हो, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मुख्य सचिव के माध्यम से ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और तमाम योजनाओं, चाहे वो जनधन योजना रही हो, चाहे वो लिंकअप योजना रही हो, गैस की पहल की योजना रही हो, तमाम ऐसी योजनाओं पर क्या प्रगति रही है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही, परेशानियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो तमाम ये जो मसले हैं वो जनता से जुड़े जो मामले हैं और केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध समन्वय होना चाहिए उसको लेकर मुख्य सचिव से सीधे वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 बजे योजना भवन से सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। अब देखना यह है किस तरीके की बातचीत होती है और उसके क्या नतीजे निकलकर आते हैं। अवधेश जी, बिल्कुल संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे उम्मीद क्या जताई जा रही है, जहां यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातचीत पर सभी की निगाहें हैं, तो उम्मीद क्या है कि किस बातों पर बातचीत हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल योजनाओं के बारे में जानेंगे या वहीं मुख्य सचिव आलोक रंजन भी अपनी कुछ बात रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? बिल्कुल अवधेश, बहुत ही उचित सवाल है ये कि मोदी जाहिर तौर पर जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो सरकार के कामकाज रहे हैं उसके बारे में बताएंगे और क्या योजनाएं आगे की हैं वो हो सकता है राज्यों के लिए मुख्य सचिवों को बताई जाए और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में भी मोदी उनको अवगत कराएं। लेकिन यहाँ बहुत अहम है कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी मुख्य सचिव रूबरू होंगे मोदी से, कहीं ना कहीं राज्यों को लेकर, राज्यों के हितों को लेकर वो उनसे बात रखेंगे और यही कुछ उम्मीद लगाई जा रही कि आलोक रंजन जो आज मोदी से रूबरू होंगे तो कहीं ना कहीं जो अभी किसानों पर दैवीय आपदा आई है और उससे बहुत से जिलों में किसानों की काफी संख्या में मौत भी हुई है, तो राज्य सरकार की जो पहल 300 करोड़ रुपए की रही है, केंद्र से जो राहत आई है 200 करोड़ रुपए की, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पैसे की दिक्कत आ रही है और जो जरूरत ज्यादा की लग रही है उस पर बात करेंगे। और मुख्य सचिव चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी उनकी इस बात को माने और जो केंद्र से सहायता राशि मिलनी है और जो सरकार अपेक्षा कर रही है कि वो राशि दुगनी या तिगुनी मात्रा में बढ़ाकर राज्य को भेजी जाए जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, तो एक ज्वलंत ये विषय है, इस पर जरूर बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि राज्य से बेहतर तालमेल को लेकर तमाम, चाहे वो सड़क को लेकर योजनाएं हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, तमाम जो जनता से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं उनके मसले पर जो केंद्र से सहायता राशि मिलती है बजट को लेकर और राज्य उसका उपयोग करता है, तो कहीं ना कहीं उन सब विषयों पर भी मुख्य सचिव अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल संजय। अच्छा, समय समय पर देखने को मिल जाता है कि चूंकि यहाँ सपा सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार है तो तालमेल की काफी कमी भी देखने को मिलती है, तो क्या इस मुद्दे पर भी कुछ बातें उठाई जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमेशा से रहा है और ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी
केंद्र में दूसरी सरकार होती है पार्टी की और राज्यों में दूसरी सरकारें होती हैं, तो वहां तालमेल की बेहद कमी होती है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में कमी होती है, उनके विचार में कमी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, ये सब दिक्कतें आम रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो और राज्य में मायावती की सरकार रही हो या मुलायम सिंह की सरकार रही हो, तब भी ये दिक्कतें आती थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एनडीए की सरकार है केंद्र में और यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है और दोनों में काफी नोकझोंक भी होती रहती है, लेकिन जनता से जुड़े मसलों पर जो राज्य सरकार को केंद्र से मांग करनी है, जो पक्ष रखना है, जो समस्याओं को दूर करने की तमाम नीतियां हैं, उसमें किस तरीके से मदद हो सकती है केंद्र से राज्य को, राज्य की जो अपेक्षाएं हैं, वो सारी बातें वो केंद्र से जरूर रखेगा। समय समय पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार के लोगों से मिलते रहे हैं, उनके मंत्रियों से मिलते रहे हैं और ये सारी मांगे होती रही हैं। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार भी चाहती है कि राज्यों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई आक्षेप ना हो, और ऐसे समय में ये बातचीत चल रही है जब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर केंद्र और राज्य में कहीं ना कहीं जो संबंध है वो और बेहतर हो, इस दिशा में एक अच्छी पहल माना जा सकता है इस तरीके की पहल को। जी संजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 राज्यों के मुख्य सचिव से बातचीत करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी बातचीत होगी। वहीं यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी योजना भवन से पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। दोपहर 12 बजे यह बातचीत शुरू होगी मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 राज्यों के मुख्य सचिव से बातचीत करेंगे, योजनाओं के बारे में जानेंगे। और इसी तर्ज पर यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन भी दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बातचीत करेंगे।